अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप लोग डाइटिंग का सोच रहे हैं या आपकी रूटीन में इस तरह की शामिल है कि आजकल आप लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तो ये सैंडविच ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आराम से बन जाते हैं और कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता और नाश्ते के लिए बेस्ट है। और आप ये देखें कि बिल्कुल छोटा सा मैंने जो टी स्पून है ना, तो उससे भी कम ऑयल लिया है और उसी में एक एग को थोड़ा सा जब वो गर्म हो गया और साथ ही क्या किया कि एग को हॉश पॉश टाइप कर लिया, ठीक है। साथ ही इसमें थोड़ा सा आप डालेंगे काली मिर्च, नमक और अपने हिसाब से, और थोड़ा बहुत मायनीज डाल लीजिएगा। अच्छा जी, होता है कि मायनीज क्यों, मायनीज तो इतना हैवी होता है। देखिए, मैं कोई उस तरह की डाइटिशियन नहीं हूँ और ना कोई स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ, तो बस इससे ये है कि ये बहुत अच्छे सैंडविचेस बन जाते हैं। और ये मैं तो ये ब्राउन ब्रेड के बना रही हूँ और आप लोग इसको नॉर्मल ब्रेड के भी बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़रा ये है कि अच्छे ज़रा रिच सैंडविच बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं लगते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप लोग स्कूल के लिए लंच में भी दे सकते हैं ब्रेड को डिफरेंट शेप्स में काट के, ताकि बच्चे जो है उसको इंजॉय भी करें और एक बड़ा अच्छा एक हेल्दी मील भी बन जाता है। सुबह आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो डाइट के लिए भी अच्छे मज़े के ये सैंडविचेस हैं। इंस्टेंट के आपको समटाइम, आपको पता है बंदा बोर हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ आराम से खाई जाती है। तो साथ में मैंने चाय भी रखी हुई थी, चाय बहुत ही मज़े की चाय, तो आपको पता है गर्मी हो, जितनी भी चाय बाहर गर्मी हो, लेकिन चाय के बगैर आपकी नाश्ता अधूरा होता है। और चाय एक ऐसी चीज़ है कि जो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, वो बंदा जो है हर सूरत में अपनी चाय को जो है वो इन्जॉय करता है। तो इसी तरह मैंने ये अपना नाश्ता जो है वो ख़त्म किया। उसके बाद मेरा प्लान था आज का कि मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, लेकिन ये है कि एक आध कुछ मैंने ड्रेस लेना था। और साथ में मुझे था कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो ऐसी डाल दूं, जो कि आजकल बड़ी ईद भी आने वाली है, तो वैरायटी भी चेक कर लें कि हम लोग कैसी वैरायटी है। तो फिर मैंने इन ड्राइव करवा ली और इन ड्राइव में आ गई थी, और आपको पता इतनी सहूलत हो जाती है आराम से। और मोस्टली मैं और मेरी नीस जाते हैं हम लोग सदर में, और वहाँ से हम शॉपिंग कर लेते हैं, आसानी भी हो जाती है। और आपको पता है दो लोग हों तो ज़रा वीडियो भी आराम से बन जाती है और आप मशवरा भी कर लेते हैं एक दूसरे से। तो सदर में आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको पता है KFC के साथ जो दो रोड्स हैं वो हर ब्रांड वहाँ पे अवेलेबल होती है। और सबसे पहले हमने विज़िट किया लाइमलाइट को, और लाइमलाइट की तो क्लचेज ही देख के तो बंदा हर क्लच पे बंदा कहता है ये भी ले ले वो भी ले ले। बहुत ही अच्छे और प्यारे कलर्स थे और बड़े डिसेंट से क्लचेस और हैंडी से बैग्स थे, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। वॉलेट्स भी बहुत अच्छे थे, जिस तरह से ये देखें लेपर्ड प्रिंट टाइप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हर तरह के वॉलेट्स थे, अफोर्डेबल प्राइजेस थी, इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं थे। और साथ में इनकी हमने कुछ कलेक्शन देखी जो कि अनस्टिच्ड थी, और आपको पता है इस पर कुछ पे ऑफ लगा हुआ था, जिस तरह ये अच्छे से कलर्स हैं, ये आप किसी को शादी वगैरह में गिफ्ट भी दे सकते हैं। और मेरी नीस की फ्रेंड की शादी थी, तो उसने उसके लिए भी कोई गिफ्ट देखना था। अब इस पर 30% ऑफ था, 30% ऑफ करके अच्छा खासा ये 4000 में ड्रेस बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये इनकी कलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये लिखा हुआ तो लॉन होता है, लेकिन ये लॉन नहीं होता, ये थोड़ा सा मलाई टाइप कपड़ा होता है, लाइक आप कह लो कि लीलन पतली फॉर्म उसे कह लो, तो मुझे ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता। फिर हमने इनकी प्रेट वैरायटी देखी, ये तो आजकल ड्रेस इतना ज़्यादा इन होया हुआ है, और आपको पता है ये ग्रीन और ये पिंक भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप इसको ईद के लिए या इवन किसी फ्रेंड की ढोलकी वगैरह के लिए भी वेयर कर सकते हैं। और प्राइसेस 7-8 हज़ार रुपये थी। डेफिनेटली आप देखें कि अगर एक आप प्रेट लेते हैं और इतना उस पर काम हुआ हुआ होता है, तो ये इतनी तो प्राइसेस बनती हैं। और अच्छे स्टाइलों आप ख़ुद से इस तरह से डिज़ाइन भी नहीं कर सकते। ये एक मुझे अच्छा लगा था, इसकी शर्ट बहुत ही छोटी थी और 4200 का था। ट्राउज़र्स भी बहुत अच्छे थे, इनकी रेडी टू वेयर ट्राउज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, हर कलर में आपको अवेलेबल होते हैं, आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। ये 1400 का था एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र्स, जो सिंपल प्लेन ट्राउज़र्स थे वो 1100 में या 1000 में थे। अच्छा जी, परफ्यूम्स की तरफ आएँ, मेरी तरफ से आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है लाइमलाइट के परफ्यूम की, जो कि है पिंक, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम पिंक है, बहुत अच्छा ये परफ्यूम है। और आप बिलीव करें कि मैंने ना दूसरा था दीवा, बट मुझे जो है पिंक बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई परफ्यूम ट्राई करती हूँ, तो मैं उसको जो आप वो एक पेपर पे ट्राई करवाते हैं, मैं उस पर नहीं करती, मैं अपने हाथ वगैरह पर लगा के चेक करती हूँ या कपड़ों पर, और उसके बाद मैं उसकी लास्टिंग चेक करती हूँ कि वो कितनी है। तो बहुत अच्छा था, मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेशन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह बाय करूँगी, इस दफ़ा मैंने नहीं किया। अच्छा जी, ये वेराइटी फिर हम इसके डाउन फ्लोर पर
जब हम आए तो बच्चों की वैरायटी थी। ये आजकल बहुत हिट आर्टिकल है, एथनिक का भी ये बहुत, और ये आप अपने बच्चियों के लिए जो है ईद के लिए ले सकते हैं। 4,000-4,500 इस तरह से इनकी प्राइसेस थी। ये बच्चियों को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप ज़रूर बाय कीजिएगा ईद के लिए। आपको पता है ज़रा अच्छे से ट्रेडिशनल से लगते हैं बच्चियों को। उसके बाद ओरिएंट पे आपको पता है वैरायटी बहुत ही ऑसम होती है, और ओरिएंट के जो प्रिंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट से होते हैं, और इनके कलर्स कम्बिनेशन भी बहुत वाइब्रेंट से होते हैं, सही समर वाले। और ऑनलाइन लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन आपको सब चीज़ें बहुत, इनके जो कपड़े वगैरह हैं वो बहुत डार्क लगते हैं, तो बेहतर यही है कि आउटलेट पर जा कर देखे गए। और ये मुझे ग्रीन वाला इतना ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खूबसूरत इसकी कम्बिनेशन था। और ये बाकी भी टू पीसेस भी बहुत खूबसूरत थे, इन पर भी फिलहाल 20% ऑफ था। और आपको पता है ओरिएंट पे भी ऑफ लगा ही रहता है, आप इनके अगर वेबसाइट पे भी देखें। और ये ब्लू वाला भी बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन था। और मेरे ख्याल से अभी जो ब्रांड्स के कपड़े हैं वो अभी स्टिचिंग के साथ बहुत रीज़नेबल पड़ जाते हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर एक ड्रेस आपको 3,500-4,000 रुपये का मिलता है और आप नॉर्मल सी भी स्टिचिंग करवाएं, बहुत भी आम सी स्टिचिंग करवाएं, तो वो मेरे ख्याल से 1,000 स्टिचिंग तो कहीं पर भी नहीं गई जो लेडी टेलर्स आजकल चार्ज कर रही हैं। तो बजाय इसके कि आप थोड़े से उसमें 200-300-400, अगर इवन मैं कहती हूँ 500 का भी फ़र्क है, तो आप इसको प्रेड वेयर कर सकती हैं। एक तो उसकी जो स्टिचिंग होती है वो बहुत ही आउट क्लास होती है, डेफिनेटली इनके बड़े प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स ने सूट डिज़ाइन किए हुए होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इनकी फ्रेगरेंसेस भी चेक की, बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। हालांकि ये बता रहे थे कि ये जो ब्लू वन है इनका बहुत ही अच्छा हॉट सेलर है, लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगे। मीठी मीठी सी फ्रेगरेंस थी और मुझे उस तरह से अपील नहीं किया। हाँ, लाइम लाइट के बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी, जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जब बजट बनेगा तो मैं भी डेफिनेटली उसको बाय करूँगी। और इस तरह से ये है कि समर में आपको पता है कि कपड़ों के साथ साथ आपको होता है कि फ्रेगरेंसेस भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको एक जो है ना अच्छा सा खुशगवार सा एहसास होता है। और फ्रेगरेंस हमारी वैसे भी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए, आपको ज़रूर अपनी जो वैनिटी है उसमें फ्रेगरेंसेज अच्छी सी रखनी चाहिए। अच्छा जी, सेव मार्ट का भी चक्कर सेम डे ही मैंने लगा लिया, जो वेस्टरिज वाली ब्रांच है, इनकी बहुत ही अच्छी ब्रांच है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। और आप देखें बॉडी स्प्रेज और हर चीज़ की बहुत ही ह्यूज वैरायटी होती है। ये ब्रांड जो आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है, इसको था कि मैंने देखना है, मैंने इसकी प्राइसेस भी चेक की। B&B आई थिंक ये राइस एक्सट्रैक्ट की सारी इनके मास्क, फेस वॉशेस और डिफरेंट स्क्रब्स वगैरह थे, और बहुत ही अच्छी वैरायटी लग रही थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जो है ना वो रेंज से बाहर थी, क्योंकि इसका जो एक मास्क है ना वो 1400 का था। तो मेरे ख्याल से अभी मैंने सोचा कि इसको वर्थ बाइंग नहीं है, कि मैं इसको सिर्फ ट्रायल के लिए और रिव्यू के लिए अभी इसको परचेज़ करूँ। डेफिनेटली जब मेरा बजट बनेगा तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी, और आप लोगों को भी मैं इसका रिव्यू दूँगी। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग KNNs वगैरह यूज़ करते हैं तो मेरे कहने पर एक दफ़ा आप लोग सबरोसो ज़रूर यूज़ करें। बिलीव यू मी, इतना क्वालिटी इनका फ्रोज़न फूड है ये, और इतना कुछ फ्रेश होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और इकोनॉमिकल भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो इसमें एक चीज़ नज़र आई है ना, वो फ्रेश बहुत ज़्यादा होता है। इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह आप देख लिया करें, मोस्टली वैसे इनके सारे आइटम्स फ्रेश ही होते हैं। और मैं आजकल, मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे जो है वो फ्रीज़र का ये पार्ट बन चुका हुआ है कि हम लोग ज़रूर जो है ना फ्रोज़न फूड में सबरोसो परचेज़ करते हैं। और ये बस सारा करने के बाद मुझे बिल के बाद मुझे था कि इनकी क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी क्रॉकरी की, जो कि सेव मार्ट ये पेशावर रोड वेस्टरिज वाली जो ब्रांच है इसमें बहुत ही अच्छी वैरायटी है। सॉरी, पेशावर रोड को मैं मिक्स कर गई हूँ, पेशावर रोड वाली अलहदा ब्रांच है, ये वेस्टरिज वाली ब्रांच है। ये इतनी क्यूट सी हांडी लग रही थी, आप इसमें कोई भी रायता वगैरह या इवन 1 पर्सन के लिए कढ़ाई भी सर्व कर सकते हैं। ये बड़े ही खूबसूरत बाउल्स थे और इनकी प्राइसेस भी मेंशन थी। मैंने अभी कुछ परचेज़ नहीं करना था, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग क्रॉकरी थी, आपकी किचन को जो है ना 4 चांद लगा देती, आपके डाइनिंग टेबल को। सूप सेट्स तो खैर गर्मी में, तो आपको पता है सूप सेट्स को देख के ही कुछ होता है, सर्दियों में आपको आपका दिल करता है कि तरह तरह के सूप सेट्स भी आपकी जो है ना वो अलमारी में पड़े हुए हों। लाइक एक दो होने चाहिए कि चलें आप चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। प्लेटर्स भी बहुत अच्छे थे जिनमें आप सैलड्स वगैरह सर्व कर सकते हैं, बारबेक्यू के आइटम्स। ये इतना कुछ क्यूट सा था, शुगर पॉट
और इसके अलावा ये प्लास्टिक में थी बट बहुत ही अच्छी मेलामाइन जिसको बोलते हैं वो वाली क्रॉकरी थी, बहुत अच्छी थी। और ये इस तरह की डिफरेंट ट्रेस भी खूबसूरत थी, मुझे ये बास्केट्स भी बहुत अच्छी लग रही थी। और लेकिन ये था कि मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं आपके लिए क्रॉकरी की डिटेल्स वीडियो जो है ना वो बाद में भी आप लोगों को बताऊँगी कि आजकल क्या चल रहा है और प्राइसेस क्या हैं। अभी एक छोटा सा बस विज़िट था जो आज के उसमें था मेरे शॉपिंग में, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। शाम का टाइम बस हो चुका था, फिर मैं घर आके तो मैंने अपनी जो है चाय को एंजॉय किया और उसके बाद थोड़ा सुकून किया। आज मैंने अपने बहुत छोटे छोटे पेंडिंग काम किए और आपको पता है फिर बंदे को बड़ा सुकून हो जाता है। वेरी सून इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ड्रेसेस की वीडियो भी शेयर करूंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।